नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे, खबर मिल रही है भिंड से, जहां जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हुए हैं। भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हो गए हैं। कुएं में मोचर निकलने के लिए उतरे थे ये तीनों युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। एसटीएम और पुलिस बल मौके पर तैनात है। भिंड के परा गाँव का ये पूरा मामला है, जहाँ जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हुए हैं। कुएं में मोटर निकलने उतरे थे ये तीनों युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। तो जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हुए हैं। एसडीएम और पुलिस बल मौके पर तैनात है। भिंड के परा गांव का ये पूरा मामला है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हुए हैं, जो कि कुएं में मोटर निकालने के लिए उतरे थे। क्या कुछ ये पूरा मामला और कब का ये मामला है? अखिलेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं अखिलेश से जुड़ने का, तमाम जानकारियां लेंगे। जहरीली गैस से 3 लोग बेहोश हुए हैं, भिंड के परा गांव का ये मामला है। युवक मोटर निकालने के लिए कुएं में उतरे थे, जहां ये बेहोश हुए, वहीं युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। वहीं आपको बता दें, एसडीएम और पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। तो युवकों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। मोटर निकालने के लिए तीनों युवक कुएं में उतरे थे। चलिए अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जहरीली गैस से भिंड के परा गांव में 3 लोग बेहोश हुए हैं, जो कि कुएं में उतरे थे मोटर निकालने के लिए। ये पूरा मामला क्या है और कब का ये मामला है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह के शाम जब ये तीनों लोग अपने कुएं में मोटर निकालने के लिए दबे थे, तभी उसमें जहरीली गैस होने के कारण बेहोश हो गए। और मौके पर अभी भारी पुलिस बल तैनात है और एसडीआरएफ टीम भी आ चुकी है, और लेकिन अभी सिलेंडर नहीं होने के कारण अभी उन लोगों को निकाला नहीं गया है। जी बिल्कुल। अखिलेश, युवकों को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ के ये युवक है, साथ ही बताए की क्या उनकी स्थिति है अभी? हाँ, ये युवक तो अभी स्थिति तो इनकी साफ नहीं हो पाई। ये युवक परा गाँव के हैं और तीनों युवक अभी उसमें बेहोश है। अब जब इनका रेस्क्यू चालू होगा तब इनको पता लगेगा कि क्या। जी अखिलेश, जैसा कि आपने बताया रेस्क्यू अभी चालू नहीं हुई, अभी क्या कुछ स्थिति वहाँ देखी जा रही है, क्या कुछ प्रयास अभी रेस्क्यू से पहले किए जा रहे हैं? जी, मौके पर एसपी साहब पहुंचे हैं और उन्होंने सिलेंडर की मंगवाने की व्यवस्था की है और सिलेंडर आ रहे हैं। ग्वालियर से बताई जा रही है, ग्वालियर से टीम आ रही है। अखिलेश, कुएं में ये युवक मोटर निकालने के लिए उतरे थे, जिनका रेस्क्यू अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जानकारी कैसे लगी कि जहरीली गैस से ये युवक बेहोश हो गए हैं, कुएं के अंदर है, कैसे ये खबर निकल कर सामने आई? जब ये लोग उसमें से निकले थे, जब उसमें बेहोश हो गए, तब गांव वाले वहां पर कुछ पहुंचे, तब गांव वालों ने वहां जानकारी यहां के प्रशासन को दी। तब मौके पर प्रशासन पहुंचा और वहां जब देखा तो उसमें जहरीली गैस बहुत तेजी से निकल रही है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो तीनों युवक अभी बेहोश हैं, जिनका रेस्क्यू भी शुरू नहीं किया गया है, कुछ ही देर में रेस्क्यू चालू होगा। वहीं एसडीएम और पुलिस बल मौके पर तैनात है।